कितने उत्साह के साथ तैयारियां कर रही हैं ये। इन्हें गांव के बारे में बताकर इनका हौसला तोड़ना ठीक ना होगा। संदेश जी, आप हम दोनों के कपड़े अलग अलग रखे हैं, वहां पे हमारे रहने की जगह भी अलग अलग ही होगी, इसलिए दीजिए मैं आपके कपड़े लगा देती हूँ। नहीं नहीं मैं रख लूंगा। वैसे कौन कौन होंगे वहाँ, थोड़ा सा बता देते तो मेरे लिए अच्छा होता। वहाँ पे तो बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, मासा, हमारी दादी, हमारे बाबा सा की चाची लगती है वो, काकी सा, जीजी, जीजू, और उसके अलावा भांति भांति के स्वभाव के लोग। वैसे आप अपने आप को वहाँ पे संभाल लेंगे ना? बिल्कुल, पहली बार शादी में थोड़ी ना जा रही हूँ। अच्छा है ना, शादियों के मौके पर ही तो परिवार से मिलना जुलना, रीति रिवाजों के साथ सबकी पहचान होती है और सबको जानने को भी मिलता है। वैसे मायके वाली शादियां अलग होती थी, ये शादी थोड़ी अलग है। वो क्या ना कि आप इस घर की नई बहू हैं, तो कहीं ना कहीं सबकी नजर आप पे ही होगी। वो तो होता ही है, नया कुछ भी हो सब जांच पड़ताल तो करते ही है ना। जैसे अगर आपको फिर भी कोई परेशानी हो तो आप भाभू को देख जैसा वो करती हैं वैसे ही करते जाना। वो भी बाकी एक बहू ही है ना। जी ये गरम कपड़े क्यों? संध्या जी वो गरम कपड़े इसलिए क्योंकि वहां पे गांव में बहुत ठंड है, इसलिए ये रख लीजिए। नहीं मैं गरम कपड़े नहीं पहनती, शॉल स्वेटर से बहुत दमचा घुटता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने बांध दिया है, ये मैं नहीं रखूंगी। सब डाल लिया ना, छूटा तो नहीं। यस। मैं पानी पी कर आती हूँ। जी संतोष, पहले तो तूने सूरज की बींदनी ने साथ ले जाने से मना कर दिया था, अब अचानक फैसला बदल कैसे लिया? तू अच्छे से जाने है संतोष, वहां गांव में सबके बीच रहने लायक पक्की ना हुई है बिंदनी, अभी ना कामकाज में ना रीति रिवाजों को पूरी तरह समझने में, और ऊपर से मासा का स्वभाव तू तो जाने ही ना संतोष, वो तो पत्थरों को ताने दे देकर उनमें भी दरार पड़वा दे। इतने साल हुए हमारे ब्याह को, दुनिया में वो अकेली है जिसके आगे तू भी कांपती है। अरे उस गाय के बछड़े को इस पचड़े में मत डाल, कहां बापड़ी बकरी को ले जा रही है शेरनी के आगे, कैसे निभाएगी? जानती हूं कि ना निभा पाएगी वो, तभी तो लेकर जा रही हूं। बहुत आराम से जी ली सूरज के कंधे पर बैठ बैठ कर, अब नीचे उतरेगी और धरती पर आएगी तो पतू चाले को कि सासुर काई होवे, जहां एक गलत सांस भी सबके निचर में आ जावे, जहां पाईजेब की खनक में ऊंच नीच आ जावे है ना, तो तानो पड़ जावे कि बीनी की चाल बहक रही है। जो बात इतने दिन से उसकी माँ कह रही थी ना, जब वो पूरे कबीले के मुंह से सुनेगा ना, तब सूरज को समझ में आवेगा कि उसकी माँ कितनी सही है। तो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है, ये
तू नहीं है संतोष। इतना सारा जहर कहां से आ गया तेरे अंदर?